विधायक जी, जैसे आज विधायक फंड से मानकी मुंडा सभागार के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए भूमि पूजन हुआ है, विधायक फंड आवंटित किया गया है, इसके पहले और भी सामाजिक भवन जो है निर्माण हो रहा है आपका विधायक फंड से। केरा में एक बन रहा है भुइयां समाज के लिए, और आज सरदार मुंडा भूमि सरदार मुंडा के लिए भी शायद भूमि पूजन हो रहा है। कहाँ कहाँ बन रहा है निर्माण, क्या क्या हो रहा है? 2024-25 वाला पैसा में जो विधायक निधि विधायक को मिलता है अनुशंसा, उसमें 23-24 वाला में, जैसा कि पिछले दिन हम लोग जो आप बोल बता रहे थे, पिछले दिन जैसा कि हम लोग नायक भवन केरा में जो है नायक भवन बना है, उसके बाद उड़िया समाज के लिए समुदाय उड़िया समुदाय के भवन बना है, उसके बाद हम लोग का जैसा कि पठनमारा में जो है ये हम लोग का जो लाइब्रेरी चलता है कुलोक लाइब्रेरी, वो दिया गया है। तो सभी समुदाय को जोड़ा गया, जहाँ पे उन लोग का जो बैठने का मीटिंग सीटिंग करने का सामाजिक विचार विमर्श करने के लिए भवन की ज़रूरत होती है, उसके लिए इन लोगों ने मांग किया था, तो सब दिया गया। इस 24-25 वाला में जैसा कि ये वाला जो है यहाँ पे कंजन 50 लोगों का अभी तक 50 लोगों का नौकरी हो चुका पूरा। ये कोल्हान में ये तुंग चलता है, इन लोग का दिन तुंग जो पूरा कोल्हान में चलता है, और जो खंडर भवन उसमें पिछले दिन लोग गए थे, खंडर भवन था वहाँ पे पढ़ाई करता बच्चा लोग, टीकर चांपी में तो वो हम लोग पिछले इस बार उसको 24-25 वाला पैसा में लगभग वो भी 10 लाख का लागत का है, जैसे 16x40 का है लाइब्रेरी। उसी तरह से हम लोग हमको ये हम लोग मुंडा भवन है, इसके यहाँ भी जैसा मंत्री मुंडा लोग का बैठक भी होती है, साथ साथ में यहाँ पे कई लड़कों यहाँ रह कर तैयारी भी करता है, लोग तैयारी भी करता है, पढ़ाई वढ़ाई की तैयारी करता है, वो भाषा का भी यहाँ पढ़ाई होता है, इसीलिए कंजेशन होता था, इसलिए लोग को बोला कि फर्स्ट फ्लोर में और एक भवन हम लोग को बना दिया, तो लोग ये भी हम लोग इसको कर रहे हैं। और अभी हम लोग जाएंगे जैसा कि भूमिज मुंडा लोग, वो लोग भी मांग किया था कि भूमिज मुंडा का हम लोग का जो भवन नहीं है जहाँ पर हम लोग सामाजिक बैठक कर नहीं पाते, तो ऐसा एक तो हम लोग जगह हम लोग देंगे, भवन बना दीजिए, तो वहाँ भी हम लोग भवन आज उसका भी शिलान्यास 4 बजे करेंगे। तो इस तरह से जितना भी सामाजिक संगठन है, जो समाज के एक्टिव लोग हैं, वो लोग मांग रखता है, और उस मांग को ध्यान रखते हुए सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हम लोग भवन के निर्माण कर रहे हैं। और रही बात बाकी, तो रोड नली है गली हुआ वो सब तो होते रहता है, लेकिन ये सामाजिक जो व्यवस्था है जो बिना भवन का हो नहीं पाता है, और भवन में जैसा कि वहाँ सामाजिक कार्य भी होता है, उसमें पढ़ाई लिखाई भी होता है, और जैसा कि वहाँ पे लोग ट्यूशन भी कुछ लोग फ्री जो सामाजिक जो जनजाति भाषा का है, जो कुछ पढ़े लिखे लड़के लोग हैं वो लोग बच्चे लोगों को फ्री कोचिंग कराता है, फ्री पढ़ाई देता है उन लोग, तो भवन की ज़रूरत है, इसीलिए सब चिन्हित करके जो मांग आया था जो बात आई थी वो बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग शिलान्यास आज कर दिए, लगभग तीनों भवन का हम लोग शिलान्यास कर दिया, और इसे कहीं रोड भी शिलान्यास हो रहा है। विधायक जी, जैसे हाल में आपके द्वारा जानकारी दी गई थी लगभग 50 करोड़ हो सकता है, वो राशि आगे पीछे भी हो सकता है, उसका कम से कम दर्जनों सड़कें का निर्माण की स्वीकृति हुई, टेंडर का प्रक्रिया भी लगभग पूरा होने जा रहा है, ये सब निर्माण कार्य कब शुरू होगा? आज 12:30 बजे 1 बजे मतलब जिला स्तर का हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग वहाँ पर करने जा रहे हैं, सूचना शायद आप लोग को मिला होगा। जी जी जी, ठीक है, तो ये बात हम वहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा जी, क्योंकि यही सब सारा मुद्दा है जो हम लोग वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आज जो है दिवस हम लोग का जो भवन का निर्माण भूमि पूजन हम बोलेंगे, भूमि पूजन हुआ है, और इसको हमको लगता है कि यहाँ मानकी मुंडा लोग को ही भवन का जिम्मेवारी दिया गया है, जैसा हमारे वहाँ पर जो लाइब्रेरी है जो हम टीकर चप्पी में वहाँ के लोगों को ही जिम्मेवारी दी, जो पढ़ाते लोग बच्चे लोग उन लोग को ही जिम्मेवारी दिया है, तो ऐसा चिन्हित करके समाज का जो संस्था वही लोग बनाने की जिम्मेदारी, निर्माण कार्य की जिम्मेदारी वही लोग को दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।